रुदाद सफ़र कुछ यूँ बयान करते हैं कि मंजिल सफ़र दंदली तहसील व ज़िला कोटली में दोस्त के करीबी रिश्तेदार रिश्ते अज़दवाज में मुंसलिक होने की खुशी में हमारे लिए दावत तआम का बंदोबस्त किया था। जहां जाना बेहद ज़रूरी और उनके लिए हमारी आमद पाई से मसरत होने वाली थी। कोटली शहर की मसरूफ़ तरीन शाहरा से गुजरते वक्त कैमरा डगमगाने लगा, जिसकी वजह से हम अपने नाज़रीन से पेशगी माजरत चाहते हैं। ख्याल क्रॉस से आगे दास्तान सफ़र सड़क के मौजूदा हालत के ऐन मुताबिक थी। हम मंजिल मकसूद तक पहुँचने के लिए रास्ते में एक जगह अर्जी क्याम करने का इरादा रखते थे, जो कि शहर मसाजिद की सबसे मसरूफ़ तरीन तफरीका माना जाता है, जहाँ ग़ुरूब आफ्ताब का नज़ारा पूरे दिन की थकावट दूर करने का बेहतरीन नुस्खा माना जाता है। हम सारदा व्यू पॉइंट पहुँच कर कोटली शहर का नज़ारा करने लगे, जहाँ हमारे अलावा मंजरकशी के शौकीनों की बड़ी तादाद मौजूद थी, जहाँ बहती गंगा में हमने भी हाथ धो लिए। सरदा व्यू पॉइंट मौसूफ के शहर कोटली की चुनिंदा तफरीकाहों में से सबसे ज़्यादा मकबूलियत रखने वाली जगह है। जहाँ मकामी और बैरूने शहर से हज़ारों की तादाद में सयाह आते हैं, जिनमें से ज़्यादातर का मकसद DSLR कैमरे में तस्वीरें बनवाना होता है, जिनमें हम भी शामिल थे, जिनको हम अपने नाज़रीन के मुलाहिज़ा के लिए पेश करते हैं। मगर हमने कुछ मुनफरद करने की जसारत की। हमारा वहाँ ठंडा शरबत मतलब कोल्ड ड्रिंक्स नोश फरमाने की तमन्ना हुई, जिसको पीते वक्त और उनका मुआवजा अदा करते वक्त हमारे औसान हता हो गए। सारदा से आगे शहराए दंदली इंतहाई दिलकश मनाजर से दिल के कूचू में बस जाने वाला एहसास करवाती है। ये सड़क चीड़ के इंतहाई खूबसूरत दरख्तों में से गुजरती है, जिनकी ठंडी हवा और पुरफजा माहौल BP के मरीजों को तंदुरुस्त और तवाना बना देने के लिए काफ़ी है। दंदली आमद पर हमारा कोई पुरजोश इस्तकबाल नहीं हुआ, जिसकी तवक्को हमें पहले से थी, मगर जो चीज़ हमारे कल्ब बेजा में लगी वो मुलाहिज़ा फरमाएं। ऐसा हमने मकबूजा कश्मीर की फिल्मों में देखा था, लोहे की मजबूत तारों से बना खूबसूरत तरीन छोटा सा पुल, जो कि हमने नीलम वैली में देखा था बिल्कुल वैसा ही था। पहली बार तो लगा कि हमारी नज़रें धोखा खा रही हैं, मगर हम एक मरतबा फिर गलत ठहरे, जिसकी हमें बेहद मसरत हुई। हमारा अंदाज़े बयां पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें। मज़ीद ऐसे वीडियो से मुस्तफीद होने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, जो कि बिल्कुल मुफ्त है।
आज के लिए इतना ही। दुआओं में याद रखिएगा, अल्लाह निगेबान।